क्या कोरोना से सच में लड़ने के लिए हम तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन वही घिसी पुरानी चीजें रिपीट करके इससे फायदा नहीं होने वाला। मास्क, सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन, वो अभी बहुत पुराना हो गया है। हमें कोरोना से लड़ने के लिए अपनी एक मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, आउट ऑफ बॉक्स जाके उसको सोचना पड़ेगा, तभी कोरोना के सामने अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हम कोरोना के सामने अच्छी तरह से लड़ पाए? तो तीन चीजें हैं जिसमें हम ध्यान रख पाए तो कोरोना की इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। पहला, हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट एडमिट नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्क्रीन करके जो जरूरतमंद है वही पेशेंट को एडमिट होना चाहिए। दूसरा, होम ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा देना चाहिए और उसके लिए जरूरत पड़े तो इंश्योरेंस कंपनी वाले को उसके लिए उनको बोलना चाहिए कि आप इतना प्रीमियम ले रहे हैं तो होम ट्रीटमेंट में क्यों आप पैकेजेस में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो। और तीसरा, अननेसेसरी मेडिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट वो ऑर्डर पास करके। मैं तीनों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। पहली चीज, लोग हॉस्पिटल में क्यों भर्ते होते हैं? 95% को तो एडमिशन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में इसलिए भर्ती होते हैं क्योंकि एक खुला दौर मिल गया है सबको। अभी मैं चाहूं, मुझे कोरोना हुआ है, मुझे सिर्फ बुखार आ रहा है, बुखार की वजह से मुझे डर लग रहा है कि शायद कुछ हो जाएगा और उसकी वजह से मैंने हॉस्पिटल के, क्योंकि मेरे पास पैसे है, मुझे कोई पहचानने वाला है, तो 10-12 दिन के लिए मैंने हॉस्पिटल का वो बेड ऑक्यूपाइड कर लिया। अभी जब भी मैं हॉस्पिटल में दाखिल होता हूं तो मेरे साथ वो डॉक्टर की टीम ऑक्यूपाइड हो जाती है, नर्सिंग स्टाफ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, 10-12 दिन तक मैं वो ऑक्यूपाइड रखता हूं। और सच में कोई जरूरतमंद वाला पेशेंट आए जिसका ऑक्सीजन कम हो गया और जिसको सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो, तो तब वो हॉस्पिटल बेड फुल हो जाएगा। क्या मतलब है उसका? यूएसए में भी पहले कोरोना वायरस से जब हुआ तब से वही वहां स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। आप कितने भी पैसे वाले क्यों न हो, आपके कितने भी पहचान क्यों न हो, जब भी आपका ऑक्सीजन बिलो 90 नहीं जाता तब वो एडमिट नहीं कर सकते। तो इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना चाहिए कि हमारे पास मैन पावर लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, हम हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, और करेंगे तो जब कोरोना का वेव पिक पे होगा तब वही चीजें रिपीट होगी। 10-12-15 घंटे का एम्बुलेंस का वेटिंग टाइम हो जाएगा जो लास्ट कोरोना में हुआ था, और 95% पेशेंट कोरोना घर बैठ के ट्रीट हो सकते हैं, तो क्यों हम उसको बढ़ावा नहीं दे। दूसरी चीज, क्यों लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं? तो मैंने जैसे बताया वो डर तो है ही है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी के कारण भी बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसको ऐसा लगता है कि एक तो होम ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसको मान्यता नहीं मिलती, उससे भले 20-25 हजार रुपया का खर्चा हो, सामने हॉस्पिटल एडमिशन में 2-2.5 लाख रुपया का खर्चा हो, लेकिन फिर भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले 20-25 हजार को वो सैंक्शन नहीं करते। तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इंश्योरेंस कंपनी को एक पर्टिकुलरली एडवाइजरी जाहिर करके बोलना चाहिए कि आपको ये टाइम के दरमियान होम ट्रीटमेंट को भी मान्यता देनी पड़ेगी। सभी को फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी को जो अननेसेसरी बिल, क्योंकि होम ट्रीटमेंट पे होता है तो 20-25 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन वही चीज जो आप वहां जाके तो 2-2.5 लाख का वो इंश्योरेंस कंपनी को घाटा पड़ेगा। इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अननेसेसरी, जब इंश्योरेंस के कारण दाखिल हुए तो उनके पीछे लग जाएगा। तो अगेन वही चीज रिपीट होती है कि जो सच में नेसेसरी वाले पेशेंट है उनको वो जगह नहीं मिलती। तो दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट को ऐसी कोई स्ट्रिक्टली गाइडलाइन लाने पड़ेगी कि जो हॉस्पिटल्स को और इंश्योरेंस कंपनी को, दोनों को ये चीज फॉलो करने में मजबूर करें। और तीसरी चीज है कि जब कोरोना का वेव आएगा तब सभी लोग अपनी तरफ से मेडिसिन देना चालू कर देंगे, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, सभी लोग अपनी तरफ से जो मन में आए वो दवाई चालू कर देते हैं। लेकिन हकीकत वो है कि अभी तक कोई मेडिकेशन ही नहीं है, और जब मेडिकेशन नहीं है तब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब अननेसेसरी मेडिकेशन जाती है तब उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है। मैं 100 कोरोना का पेशेंट हो, एक पेशेंट की जान बचाने के लिए मैं 100 पेशेंट को मैं स्टीरोइड दे दूंगा तो वो 90 शायद पेशेंट की जान बचा दूंगा, लेकिन 99 पेशेंट की क्या हालत होगी। तो इसकी वजह से उसके जो क्राइटेरिया है, गाइडलाइन है, जो ऑक्सीजन नहीं कम हो तो स्टीरोइड नहीं देना चाहिए, तो वो सब चीजों को गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इम्प्लीमेंट हो। एक
सपोर्टिव मेडिसिन के तरह सब कुछ चलता है जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, लेकिन आप ऐसे ही स्टीरोइड, ऐसे ही रेमडेसिविर, ऐसे ही कोई ऐसी बाबाओं की मेडिकेशन नहीं दे सकते कि जिसकी लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट हो। तो ये तीन चीजें करेंगे तो कोरोना के सामने और कोरोना के प्रभाव से हम बहुत बच पाएंगे। मेरी आवाज लिमिटेड है, मुझे नहीं मालूम कि कौन उसको सुनता है नहीं सुनता है, लेकिन मैं बोलूं वो सच मानना भी जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से, कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल उसको डिनाई नहीं कर सकता जो मैं तीन चीजें बोली है। एक अननेसेसरी एडमिशन को अवॉइड करना है, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी को एक थोड़ा बोलना है कि आपको कोरोना के टाइम पे ये मानना पड़ेगा, और तीसरा है अननेसेसरी मेडिकेशंस को अवॉइड करना है। ये तीनों चीजों जो अच्छे तरह कर पाएंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम कोरोना के सामने अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। और मैंने जैसे बोला कि मेरी आवाज लिमिटेड है, लेकिन आपके द्वारा किसी और बंदे को पहुंचे कि जिसकी गवर्नमेंट में सच में पकड़ हो और जो सोच सके कि ये तीन चीजों में कुछ करने के कारण हम जो पहले की जो महामारी से जैसे हमें फेस करना पड़ा है इससे बच सकेंगे, तो ये इंप्लीमेंट करना वो बहुत ज्यादा फायदा कारक रहेगा, नहीं कि वो मास्क, सैनिटाइजेशन और लॉकडाउन और वो सब चीजें बहुत घिसी पुरानी हो चुकी है, उसका अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं हमने फर्स्ट वेव में देखा था फायदा, अभी चाइना में भी ऐसी चीज है कि इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के बावजूद ऐसा माना जाता है कि 3-4 महीने में 60-70% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बाय कोरोना, तो हम कैसे बच पाएंगे। तो ये सब चीजें नहीं काम में आने वाली, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस से हम सीख के ये तीन चीजों में इंप्लीमेंट कर पाए तो शायद हम कोरोना को बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकेंगे। थैंक यू।